हे गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। तो आपको पता ही है कि वोग्यू कोरिया मैगजीन जो आया है जिसमें वी फीचर हुए हैं, तो उनमें वी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक ब्लैक पिंक की जैनी को लेके एंड उनके रिलेशनशिप को लेके, एंड काफ़ी कुछ वी ने बताया। ओके, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। वेल, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए एंड ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड या आप हमें IG, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको पता ही है कि वी एंड जैनी की जो डेटिंग रूमर्स है, ये कितनी ज़्यादा हॉट टॉपिक है। एंड जितने भी फैंस हैं सब एक ही जवाब चाहते हैं कि इस पे वी एंड जैनी का क्या रिएक्शन है, बिकॉज जो कंपनीज़ हैं उनके रिएक्शन से जो फैंस हैं ना वो सेटिस्फाइड नहीं है। एंड जो आर्टिस्ट है उन्होंने अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। एंड सेम ऐसे ही क्वेश्चन जब वी से पूछा गया वोग्यू कोरिया मैगजीन में, देन वहाँ पे भी वी ने इसका क्या जवाब दिए हैं वो आप सभी लोगों को उतना सेटिस्फाइड नहीं करने वाला है। वेल, मैं आपको बता दूं कि उस मैगजीन में वी ने ये भी बोले हैं कि रिलेशनशिप के मामले में वी को पहले भी यूज़ किया गया है एंड वी रिलेशनशिप में हर्ट हुए हैं। ओके, एंड साथ ही साथ वी ने अपना एक लवली सा रिलेशनशिप बताया जो कि आमीज़ के साथ है। एंड वी ने ये भी बताया कि आगे चल के वो जो कोलैबोरेशन करने वाले हैं एंड जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आमीज़ के लिए लाने वाले हैं, वी ने ये भी बताया कि उनको ना लोगों से मिलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड वी एक सोशल बटरफ्लाई है, ये तो मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया है एंड आपको पता ही होगा, आप एक आर्मी हो तो, कि वी को लोगों से घुलना मिलना कितना ज़्यादा पसंद है। एंड सेम यही बात वी ने अपने मैगजीन में भी बताया कि ना मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है एंड मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं न्यू लोगों से मिलूँ, न्यू लोगों को मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। एंड मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे ना लोगों के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर भी वी ने इस बात को मेंशन किए कि ना जब भी वो लोगों से मिलते हैं तो वो बहुत कम घुलते मिलते हैं। एंड इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि मुझे पहले यूज़ किया गया है, मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ, क्योंकि ना मैं जिनको अपना दोस्त मानता हूँ वो मुझे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन मानते हैं एंड मुझे एक सिंपल दोस्त नहीं मिल पाया है। सॉरी, यहाँ पे वी ने पर्सन नहीं बोले हैं, यहाँ पे वी ने बोले हैं कि मैं जिससे भी अपना दोस्त मानता हूँ वो मुझे एक वैल्यूएबल संपत्ति मानते हैं। ओके, एक एसिस्ट मानते हैं लेकिन ना मुझे दोस्त नहीं मानते, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ। तो इस वजह से मैं रिजर्व्ड हो जाता हूँ जब भी लोगों से मिलता हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा डीप बात है जो कि सच में होता है वी के साथ। आप सोचो उनको कैसा फील होता होगा। एंड यस, ब्लैक पिंक की जैनी के बारे में जब वी से पूछा गया, देन वी ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिए, कोई भी रिएक्शन नहीं था इस क्वेश्चन पे वी का। वी ने आगे बोले कि मतलब उन्हें लोगों से ऐसा फील करवाया जाता है कि वो एक वैल्यूएबल पर्सन है, वो एक दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें लोगों से घुलना मिलना पसंद है एंड उन्हें लोग पसंद हैं। एंड साथ ही साथ वी ने ये भी बताया कि उनके जो BTS के मेंबर हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वेल गाइस, आपका इस पे क्या कहना है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।